नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय आपके घर से ही। आज मैं आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा जो आप घर पर ही करेंगे, जैसे कि पेट में गांठ हो जाना। और ये गांठ जो होती है कहीं भी हो जाती है, किसी के हाथ में हो जाती है, अधिकांश ये पेट में ही होती है, पैरों में भी हो जाती है, जांघों पे भी हो जाती है। ये गांठ का जो इलाज है आप घर पर ही करेंगे, आपको कोई भी ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता है, ना ही आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। आप इस गांठ को घर में ही उपाय करके, आयुर्वेदिक उपचार है, घर पे ही आप करें और ये गांठ जो है घुल जाएगी। और थोड़ी आप इस पे जो मैं बताऊंगा उपाय वैसे ही करें, और इसको कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे ये उपाय करना है घर पर। इसमें आप लीजिए गाजर का रस और चुकंदर, जो चुकंदर होती है उसका एक गिलास रस, सुबह शाम नित्य आपको दो महीने तक आपको इसको कंटिन्यू लेना पड़ेगा। और दूसरा उपाय इसमें साथ में ये भी आपको करना है, एक गिलास चुकंदर जो होती है उसमें रस जो होगा उसमें आप आधा नींबू डालें और 2 चम्मच शहद, ये आप रात में लें। और इसको आप घर में ही, इस चुकंदर का जो रस है घर में ही निकालें किसी जूसर वगैरह में, और आधा नींबू आपको डालना है और 2 चम्मच इसमें आपको शहद डालना है। इसको तो आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा काफी समय तक के लिए, जब तक आपकी गांठ घुल नहीं जाती। और इसके साथ आपको एक कार्य और भी करना है कि जो सिकाई है आपको, जो सूखी सिकाई बोलते हैं कॉटन के कपड़े से, आप उस जगह को जहां पे गांठ है, या आप रेत की सिकाई ले लें, या ईंट को गर्म कर लें, या रेत को गर्म करके आप सेक दे सकते हैं उस गांठ को, कॉटन के कपड़े में डाल के, रेत गर्म करके आप कॉटन के कपड़े में डाल लें और उसको आप जहां पर गांठ है, जैसे यहां पे गांठ है तो आपको यहीं पर आपको उसको सिकाई देनी है दोनों टाइम, सुबह और रात में। आप कभी भी शाम को भी कर सकते हैं, 2 बार तो आपको सिकाई करनी ही पड़ेगी सूखी सिकाई। पानी वाली सिकाई बिल्कुल ना करें क्योंकि उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और ये कंटिन्यू करें, जो मैंने चुकंदर का और गाजर का जो रस बताया है ये 1 से 2 महीने लेना है आपको। आप 1 महीना भी ले सकते हैं और 2 महीने भी ले सकते हैं, 2 महीने भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन जो चुकंदर में आपको, जो मैंने आधा नींबू और 2 चम्मच शहद, 1 गिलास चुकंदर का रस जो आपको बताया, वो आपको काफी समय तक लेना पड़ेगा, 4 या 5 महीने तक, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और वो गांठ जो है आपकी जहां पर भी है वो घुल जाएगी। और सिकाई आप करना ना भूलें, सुबह शाम आपको सिकाई उस जगह की जरूर करनी है। रेत वाली सिकाई करेंगे तो और ज्यादा अच्छा है, उसी रेत को रख दो, उसी को फिर गर्म करके, फिर उस सूती जो कॉटन होता है जिसको सूती कपड़ा भी बोलते हैं गांव वगैरह में, कॉटन का ही होना चाहिए, और सेक देनी है करीब 10 मिनट तक, सुबह शाम 10-10 मिनट तक आपको सेक देनी है, बिल्कुल गांठ घुल जाएगी। कुछ लोग तो समझ लेते हैं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, क्योंकि अगर कैंसर है, होता है तो उसमें दर्द होता है, अगर आपके दर्द नहीं है तो ये इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि ये चर्बी से,
क्योंकि आजकल केमिकल चीजें, सारी चीजें जो खा रहे हैं लोग, हम भी वही, सभी वही खा रहे हैं जो आ रहा है, और उसी की वजह से ये चर्बी की गांठ जो होती है बन जाती है, ब्लड की बन जाती है, कुछ चर्बी इसमें मिक्स होके एक गांठ तैयार हो जाती है, जिसको घोलने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना पड़ेगा। और डरे नहीं, क्योंकि ये कैंसर नहीं है। अगर आपके दर्द नहीं हो रहा है और वो गांठ है आपके पेट में या हाथ में या पैर में, किन्हीं के जांघों में होती है, किसी के पिंडली में होती है, तो उससे घबराएं नहीं आप, क्योंकि वो कैंसर नहीं है। अगर आपके दर्द नहीं हो रहा है तो वो कैंसर नहीं है। इस उपाय को आप कंटिन्यू कीजिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये गांठ जो है ये घुल जाएगी। अब इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अब मैं आज्ञा चाहूंगा, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए मेरे आयुर्वेदिक उपाय, घरेलू उपाय, सटीक उपाय आपके लिए।